श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वीर बावन, वीर बावन भैरव के साथ रहते हैं और वीरों की साधना वीर कंगन, ये आज के डेट में साधकों के बीच में एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। लेकिन वाकई अगर वीर साधना की बात करें तो अगर किसी के पास वीर सिद्ध है, इसका मतलब है कि उसके गुरु में भी शक्ति है और उस साधक में भी शक्ति है। आप किसी से पूछो कि वीर की साधना कैसी होती है, तो 51 दिन का जाप बताएंगे, वो आपको 5 दिन का जाप बताएंगे, कोई 9 दिन का जाप बताएंगे। लेकिन वीर कंगन जो सिद्ध होता है वो ऐसे नहीं होता। जब मैंने वीर कंगन सिद्ध किया था, ये आज से 7-8 साल पुरानी बात है, एक साधक को हार्ट फेल ना आ जाए उस स्तर तक इसमें साधक को डराया जाता है। वीर कंगन साधना की कहानी बताऊं तो मैं और मेरा एक मित्र, वो नॉन बिलीवर किस्म का है, हम दोनों पहुंचे एक स्थान पर। वहां पर हमने बोला कि हमें ऐसी कोई साधना दो जिससे लगे कि कुछ हो। तो अगले ने हमें बताया कि आपको मैं वीर साधना करवा सकता हूं जिससे आपके वीर सिद्ध हो जाए। कोई एक वीर का आप नाम सोच लो, हमारे पास ये साधनाएं हैं हमारे गुरु परिवार की, इसमें जो आप चाहो आपको मैं सिद्ध करवा दूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि वीर होते हैं, शक्तियां होती हैं। हालांकि मैं तब तक बिलीवर था क्योंकि मैंने शक्तियों को देख रखा था, तो शक्तियों की एक समझ थी मेरे पास। लेकिन अगला जो व्यक्ति था उसने बोला ये सब सिर्फ कहानियां हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग होगा, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होगा। उसका कहना था कि अब शमशान में चले जाओगे तो आपको डर लगेगा ही। अब शमशान में बचपन से हम लोगों का अपब्रिंगिंग है कि वहाँ पे जाओ तो नहा के वापस आओ, अब वहाँ जा रहे हो मीट मछली मदिरा खा रहे हो, तो हिंदू मेंटेलिटी, आपको डर लग जाएगा। तो साधक ने बोला हम कोई शमशान नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको एक चौराहे पे हवन करवाऊंगा, पूजन करवाऊंगा और उसके बाद आपको वीर का दर्शन भी होगा और आपको बहुत सारी शक्तियों का दर्शन हो जाएगा, 7 दिन की साधना है। मैंने हामी भर दी। उस समय तो एक जुनून था कि किसी भी तरीके से सिद्धियों को प्राप्त करना है, शक्तियों को देखना है। और मेरे मित्र ने बोला कि नहीं, मैं धन्यवाद, मैं एक उचित दूरी पे बैठा रहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि रात्रि का समय, अच्छा पगडंडी का उस समय मुझे असली मतलब समझ में आया। जो जब चौराहे लोग बोलते थे तो हम सोचते थे कि शहर के बीच में चौराहे में बैठ के साधना कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। साधना का मतलब था कि जंगल की पगडंडियों के बीच का चौराहा। तो जब ये मुझे समझ में आया तो थोड़ा तो मेरा हृदय कांपा, क्योंकि इससे पहले मेरा एक प्रत्यक्षीकरण हुआ था शक्ति के साथ। मैं किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे आप लोग अभी पूछते हो कि ये परी की साधना दे दो, ये यक्षिणी की साधना दे दो, ये चुड़ैल की साधना दे दो, ये डाइन की साधना दे दो। तो ऐसे ही एक साधना को मैं कर रहा था और उस समय साधना करके मैं उठा और शक्ति जो थी वो किस रूप में थी, आप समझो, क्या अमावस्या की रात्रि की साधना करके आप लौट रहे हैं और आप अपने कमरे में जाते हैं और जब पर्दा लगाने के लिए आप खिड़की के पास जाते हैं तो उसमें एक औरत लटक रही होती है, बाल बाल खोल के, लाल लाल साड़ी, ठीक है, मुस्कुराती हुई। अब वो औरत भले बला की खूबसूरत हो, आपके हृदय पर क्या गुजरेगी। तो ऐसी ऐसी शक्तियों का मैंने प्रत्यक्षीकरण कर रखा था, तो मुझे एक आभास हो रहा था कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है। लेकिन अब हामी भर दी थी, साधक था, बेइज्जती से बचना था। मैंने बोला मैं ये साधना तो कर रहा हूँ। तो मेरा जो मित्र था उसने बोला तुम साधना करो, मैं मज़े लेता हूँ, ठीक है। जब ऐसी कोई साधना होती है तो गुरु का काम होता है कि वो एक लकीर खींच देता है आपके चारों तरफ, ठीक है, और उस लकीर में
कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, वो किसी भी रूप में हो। तो साधना जब शुरू हुई तो पहले दिन तो कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, ठीक है, जानवरों की रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, ये सब आती थी बीच बीच में, डराने के लिए वो भी काफ़ी थी उस स्थान पर। दूसरे दिन या तीसरे दिन, तीसरे दिन मेरे ध्यान में है कि तीसरे दिन मैं जब वहाँ जाता था तो मुझे एक मदिरा का पात्र दिया जाता था और मांस एक पूरे, मतलब जो पत्तल होता है ना, पत्तों का बनता है एक प्लेट, वो उसमें भर के मांस दिया जाता था और उसको रख के उसके तरफ पीट करके मुझे जाप करना होता था। और जब मैं मुड़ता था तो दोनों समाप्त होता था। तो कॉमन समझ यही थी मेरी कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे कोई ना कोई जानवर आकर के, वो समझ में आता था कि कुछ खड़बड़ाहट, कुछ हड़बड़ाहट पीछे में हो रही है, ठीक है। तो वो जब उठता था जाप करके 1.5-2 घंटे, तो वो समाप्त होता था। मंत्र लंबा था, साबर मंत्र था। तो ऐसा होता रहा। तीसरे दिन मुझे अनुभूति हुई कि ठीक मेरे पीछे आके कोई खड़ा है, ठीक है, और लगभग मैंने जाप समाप्त कर लिया था और उसके बाद मुझे लगा कि मैं चारों तरफ से घिरा जा रहा हूँ। मतलब ऐसा आँख के सामने कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आभासिक होता है ना कि आपके आसपास कोई बढ़ रहा है चारों तरफ से। तो मैंने बहुत जोर से अपने मित्र का नाम चिल्लाया, ठीक है, वो दौड़ करके मेरे तरफ दौड़ा, उसने बोला मैं आता हूँ, इतना मुझे सुनाई दिया। और उसके बाद मैं मूर्छित होकर के गिर गया। वो दूसरे दिन मैं होश में आया, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं समझ में आया था। तो मैं अपने मित्र को बोला कि तुमने मुझे बचाया था क्या कल रात में, तो बोला नहीं, कल रात में मुझे विश्वास हो गया कि तुम सच में कोई साधना कर रहे हो, तो ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ। तो बोला कि जब आप चिल्लाए, ठीक है, तो आप जहाँ पर बैठे थे वहाँ तक मैं दौड़ के जा रहा था, अचानक रास्ते में जो सियार का एक झुंड मेरे सामने आ गया, ठीक है, और वो सियार का झुंड ना मुझ पर अटैक कर रहा था और ऐसा लग भी नहीं रहा था अटैकिंग है, लेकिन वो पूरा मेरा रास्ता रोक करके खड़ा था। तो वो अटैक करता उससे पहले मैं लौट गया, फिर गुरुजी को बताया। तो फिर हम करीब 15 मिनट तक गुरुजी बैठे रहे, उसके बाद वो हम लोगों को लेने गए, उसके बाद वो मुझे लेके आ गए। अब तो जो होना था, जो सबसे उसमें खतरनाक जो विषय होना था वो हो गया। किसी तरीके से 4 दिन उस साधना को मैंने काटा और मुझे ये आभास हो गया, जो मुझे साइन एंड सिग्नेचर, हर साधना का साइन एंड सिग्नेचर होता है कि आपको वो साधना सिद्ध हो गई है। तो वो मुझे 7वें-8वें दिन में ये समझ में आ गया कि मुझे साधना वो सिद्ध हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ना आगे नाथ ना पीछे पगा वाली मेरी स्थिति हो गई। क्या, जब आप किसी साधक को टेस्ट करने जाओगे ना, तो साधक भी आपको टेस्ट करने में लग जाता है। तो उन्होंने सिद्ध करवा दिया, उसके बाद कुछ बताया नहीं। मैं भी बहुत खुश था, उस समय इतनी समझ नहीं थी कि अगर आपके पास शक्ति आ जाती है तो शक्तियों का क्या करना चाहिए। तो शक्ति आ गई, हम लौट गए। हम लोगों ने काफ़ी इस पे ब्लॉगिंग किया, इंटरनेट पे कहानियाँ लिखी, ऐसा है वैसा है, ऐसा भी हुआ था पता नहीं, क्योंकि रिसर्चर था तो मन में बहुत तरह की बातें थी कि हो सकता है मैं रात में डर गया था इसलिए उस दिन मूर्छित हो गया, जंगल में सियार आना एक आम बात है इसलिए वो बालक डर के भाग गया, लेकिन कुछ तो शक्ति होती है अंतोगत, तो ये सोच रहा था। लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में ना मुश्किलें बढ़ने लगी, समस्याएं मेरे जीवन में बहुत बढ़ने लगी, ठीक है, और ऐसी समस्याएं बढ़ने लगी जो कि किसी को बताया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे स्थानों पे जीवन में चोट होने लगे जो बड़े मुश्किल थे समझाने किसी को। फिर गुरुजी से संपर्क हुआ, तो पहले तो एक आध गुरुओं ने मुझे बताया कि आपके साथ काली चल रही हैं, आप काली को भोग दो, किसी ने बताया दुर्गा चल रही हैं, किसी ने कोई कहानी बताई, किसी ने कोई कहानी बताई। हम भी प्रसन्न भी होते थे कि वाह हमारे साथ माँ काली प्रत्यक्ष चल रही हैं, ठीक है, भगवती तो सबके साथ चलती है तो उनको थोड़ी खुश करना होता है। अंतोगत्वा जब गुरु जी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने कभी वीर सिद्ध किया था क्या। ये थोड़ी सी अचंभे की बात थी क्योंकि ये कालखंड और जो गुरु जी से मिलने का कालखंड है इसमें 2 साल का अंतर था और दोनों भारत के दो कोने
कोनों की कहानी है। एक कहानी है आसाम सिक्किम बॉर्डर की, दूसरी कहानी है राजस्थान की। पहले आसाम सिक्किम बॉर्डर की घटना हुई, उसके बाद जो दूसरे गुरु मिले वो आसाम में मिले, सॉरी वो मिले मुझे राजस्थान में। तो उन्होंने बात बात में पूछा, तुमने कभी वीर सिद्ध किया था क्या? मैंने बोला वीर साधना तो मैंने कर रखी है, लेकिन ऐसा कोई प्रयोग या कुछ मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट उस साधना को करने के बाद मेरा जीवन जो है और नर्क होता जा रहा है, क्योंकि मैं मेंटली और डिस्टर्ब हूँ। मेरा जो फाइनेंशियल लाइफ है वो क्रश हो रहा है, मेरा जो लोगों से संबंध है वो क्रश हो रहा है। मैं काफ़ी उग्र हो गया हूँ, बात नहीं करता किसी से ढंग से। तो उन्होंने बताया कि आपके अब साथ में आपकी जो वीर है वो शक्तियाँ हैं, और उनको समय समय पे आपको भोग देना होता है, उनको रहने के लिए स्थान देना होता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो मेरे पास ऐसा तो ज़मीन जो भी है, लेकिन ऐसा जगह मेरा कहीं ज़मीन नहीं है जहाँ पे मैं रहूँ, क्योंकि हम लोग तो अब शहर में रहते हैं। यहाँ पे मैं ज़मीन दे करके किसी वीर को स्थापित करके उसकी सेवा नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, वीरों की स्थापना जो होती है सिद्ध करने के बाद वो कंगन में होती है, ठीक है? और एक गुरु ने आपको, जिसने वीर सिद्ध करवाया, वो आपको तुरंत कंगन में वो शक्तियाँ दे सकता है, या फिर सीधे कंगन में भी आपकी शक्तियाँ स्थापित कर सकते थे, आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब तो जो हो गया तो हो गया, अब क्या? तो उन्होंने बोला ये कंगन है, इसको अष्ट धातुओं से बनवाया जाता है। अब तो खैर मोल्डिंग करके वो डुप्लीकेट मिलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल आता है। तो उन्होंने एक दिया, मुझे बड़ी कृपा हुई उनकी। उसके बाद बोला कि इसमें अब सिद्ध कर दो, 41 दिन तक वही मंत्र पढ़ के इस पर नज़र रख के तुम उसको सिद्ध करो। अभी ये कर ही रहा था कि किसी एक हमारे मित्रगण ने आत्महत्या कर लिया, ठीक है? अब अकेला व्यक्ति साधना, वीरों की साधना की याददाश्त अलग जो चल रहा है जहन में, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था, और इधर वीर की साधना, और फिर एक किसी परिचित ने सुसाइड कर लिया। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन मेरे रहते कि भाई अगर किसी ने सुसाइड किया है तो आप तो ज़रूर बता सकते हो उससे बात करके क्या होगा, क्योंकि उस समय इंस्ट्रूमेंट से मैं भूतों से बात करता था। ये सब चल रहा था। अंतिम दिन मैंने किसी तरीके से वो जितने दिन की साधना थी वो पूरी करके वीरों को स्थापित कर लिया कंगन में, और उसके बाद कंगन पहन के फर्स्ट क्लास सो गया कि हाँ अब सब चीज़ कंट्रोल में है। मैं सोया और मेरे खिड़की पर किसी कोई ज़ोर ज़ोर से प्रहार करने लगा, शीशे की खिड़की, उस पर चोट भी ज़ोर का, उस पर आवाज़ भी ज़ोर का, लेकिन वो टूट नहीं रही थी, ठीक है? उसी समय मतलब मतलब 3 बज रहा होगा, मध्य रात्रि की बात है, 3 बजे के आसपास मैंने गुरु जी को फिर फ़ोन किया। उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हो रहा है। तो उन्होंने बताया अगर वीर की तुम कंगन लोगे तो वीर तो वापस लेने आएंगे ना तुमसे कंगन। उन्होंने बड़े मजाक में इसको लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वीर कंगन को हमेशा धारण नहीं कर सकते हैं आप, वीर कंगन को पूजा के स्थान पर रख के उसको देवता का दर्जा दिया जाता है, और उसकी रोज पूजा पाठ आपको करनी होती है, और जब आप कोई विशेष क्रिया करेंगे जिसमें कि आपको वीरों की आवश्यकता है तभी उस कंगन को पूजा स्थान पर उठाएं, तभी वीर उग्र नहीं रहेंगे। ये जो बात है ये हर शक्ति के साथ, वो यक्षिणी सिद्ध करो, आप परी सिद्ध करो, या कोई देवता सिद्ध करो, उसको हमेशा आप धारण नहीं कर सकते, और हर कोई एक स्थान आपको देना चाहिए, ठीक है? तो ये एक कहानी है जिससे आप लोगों को काफ़ी सीख मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो साधना का शुरुआती जो भी प्रक्रिया है जो आपको करना चाहिए वो हम आपको सिखाते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। ज्ञानवर्धक बातों के लिए www.अघोरतंत्ररहस्य.com या अघोरतंत्ररहस्य.xyz पर जाइए, मेरे और अन्य साधकों के उसमें आपको व्याख्यान मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बाबा भैरव आप सभी की रक्षा करें, सभी शक्तियों से ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।